ओम काली जय महादेव। जो हमारा अगला प्रश्न है वो अक्षय चौधरी जी हैं नोएडा में, वो पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या कुंडलनी योग की साधना करने के लिए मुझे अपना साधारण जीवन त्यागना होगा? ये क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसा ही मिलता जुलता। लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देता हूं। जो हमारी आंतरिक एनर्जीज हैं, ऊर्जा हैं, उनके साथ मैं इसका उत्तर दूंगा तो हमें साइंटिफिकली भी समझ में आएगा कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। योग के ना दो मतलब हैं। एक तो योग का मतलब है कि किसी के साथ जुड़ जाना, ईश्वर के साथ जुड़ जाना, एक तो वो योग हो गया। दूसरे योग का मतलब होता है ऐड हो जाना, एडिशन हो जाना। जैसे एक में एक ऐड किया तो दो हो गया, उसका भाग डबल हो गया। तो जब हम किसी के साथ किसी को ऐड करते हैं तो उसका भाग बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ईश्वर संघ हमारा योग स्थापित होता है तो पहले तो हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और जो भी हमारी साधारण जीवन की प्राप्तियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और जो हमारे चक्रों का ज्ञान है, अगर हमारे जो शरीर में जो 7 चक्र हैं उन पे अगर हम मनन करें, उनकी ऊर्जाओं पे हम अपना चित्त डालें तो हमें समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उस पे विराजमान है श्री गणेश जी। जब उनकी शक्ति हमारे भीतर कार्यान्वित हो जाती है तो जो भी हमारे जीवन में अड़चनें हैं वो अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। तो जब अड़चनें खत्म हो गई तो हमारे भौतिक जीवन में जो भी परेशानी आ गई आगे बढ़ने में, चाहे पैसा कमाने में, चाहे अपने कैरियर में आगे बढ़ने में, जब वो हमारी जो अड़चनें खत्म हो गई तो अपने आप ही हम कामयाब हो गए। और जब मूलाधार में श्री कार्तिकेय जी की शक्ति कार्यान्वित हो जाती है तो जो भी हमारी बुरी आदतें हैं उन पे हम विजय पा लेते हैं और ये बुरी आदतें ही हमें कामयाब होने से दूर करती हैं। इसी तरह जो हमारा दूसरा चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जब इसकी शक्ति सक्रिय हो जाती है तो माँ सरस्वती की कृपा से हम क्रिएटिव हो जाते हैं, रचनात्मक हो जाते हैं। हमारे अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो याददाश्त बढ़ जाती है हमारी। तो जब हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ज्ञान के साथ करेंगे तो अपने आप ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और जब माँ कुंडलनी की कृपा से हमारा जो तीसरा चक्र है नाभि चक्र, उसकी जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो माँ लक्ष्मी की शक्ति कार्यान्वित हो जाती है। और माँ शक्ति तो सब कुछ देने वाली है, हमें धन का सुख देने वाली है, हमें पारिवारिक सुख देने वाली है, हमें भोग विलास सब देती है माँ लक्ष्मी, तो वो सब हमें मिलने लग जाता है। और जब हमारे हृदय चक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है तो माँ दुर्गा की शक्ति कार्यान्वित होते ही हमारे जो रोग हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, हम रोग मुक्त जीवन जीवन लग जाते हैं। और वहीं सीताराम जी की जब शक्ति कार्यान्वित होती है तो हमारे जब मर्यादा हमारे अंदर स्थापित होती हैं तो पारिवारिक जीवन भी हमारा संपन्न हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। और जब माँ कुंडली की कृपा से हमारी जो 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र की ऊर्जा शुद्ध होती है, सक्रिय होती है, तो श्री कृष्ण जी की कृपा से हमारे को धन भी मिलता है, हमारे को यश भी मिलता है और हमारे को प्रसिद्धि मिलती है, हर चीज़ मिल जाती है। और इसी तरह जब हमारे आज्ञा चक्र की एनर्जी का शुद्धिकरण होता है तो महादेव की एनर्जी कार्यान्वित होने से हमारे अंदर तनाव खत्म हो जाता है, हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है, तो हम एक आनंदित जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो देखिए, 6 चक्रों तक तो हमें भौतिक प्राप्तियां हो रही हैं, ईश्वर के साथ मिलन तो हमारे 7वें चक्र पे हो रहा है, सहस्रार चक्र पे हो रहा है। तो जो भी कुंडली योग के माध्यम से हमारे को प्राप्तियां हैं वो सब बढ़ती जा रही हैं हमारे साधारण जीवन की। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, माँ कुंडली की कृपा से हमारा जो साधारण जीवन है भौतिक जीवन भी सुंदर हो जाएगा और आखिरकार हमारा ईश्वर संग मेल भी हो जाएगा। आपको मेरा ओम काली।